ये घटना कब हुई है और कैसे हुई है? 4:30 बालू वाला ओवर अटैक में गाड़ी धक्का मारा और बालू वाला चारों गाड़ी पकड़ाया और दरोगा जी गाड़ी लेकर थाना में चल गए और छोड़ दिए पैसा लेकर। हाँ, हमको डीएम सर को यहाँ बुलाने के लिए बोल रहे हैं, दरोगा को वो नहीं बुला रहे हैं। सुबह से 4:30 घटना है, हम रोगी लेके चले गए ससरा, गाड़ी यहाँ पकड़ा हुआ था। सीओ साहब, बीडीओ साहब सब आए हैं, लेकिन अभी डीएम साहब और ना एसडीओ साहब को यहाँ बुलाया गया है और सब वो अपने छाया में बैठे हैं, पूरा मड़ई में घर में कुर्सी लगा के बैठे हैं, कुर्सी लगा कर। हम लोग एकदम घामा में रोड पर एकदम धरना दिया कि जब तक डीएम साहब एसपी साहब नहीं आएंगे मुआवजा नहीं मिलेगा, लाश नहीं उठने देंगे। इसके लिए मृतक आप कौन है? हम उनका लड़का है बड़ा। आपका नाम? उपेंद्र कुमार गुप्ता। मृतक का नाम? ललिता देवी। इलाज के लिए आप कहाँ ले जा रहे थे? ले जा रहे थे सदर अस्पताल में, रेफर कर दिया बनारस ले जा रहे थे। बनारस जाने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई? हाँ हाँ, बनारस जाने घटना की जानकारी आपको कैसे मिली? हमारे परिवार थे ग्रामीणों के द्वारा आपको इस घटना की जानकारी? हाँ, यहाँ एक्सीडेंट का पिताजी थे, ओवरटेक कर रहे थे। कहा कि हम बंधन बैंक के कर्मचारी हैं। हाँ, वो का कहे गवा कर्मचारी कहे भाई जा नहीं 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 ना ना हम कैसे हालत देखे अभी तक जो सीओ गुम लड़का है उसका तो को एक लड़का मृतक का एक गुंग लड़का है और ये वाला है, लिख लीजिएगा ये भी गुंग लड़का। और ये जो बालू लादने के लिए जो लोग ट्रैक्टर लोग आ रहा है, इसमें पुलिस की बहुत बड़ी हाथ है, ठीक है? ये आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आपके स्थानीय थाना की इसमें सहयोग होता है? हम दावा के साथ कह रहे हैं कि स्थानीय जो थाना है ये घूस लेकर छोड़ देती है बालू के लिए, और जब बालू पकड़ाती है जनता लोग पकड़ती है ओवरटेक करने के लिए, तो पुलिस आती है तो गाड़ी ले जाती है और उससे पैसा तहसील कर और छोड़ देती है थाना से। बघैला थाना है ऐसा। मैं यहाँ पे उपस्थित और ग्रामीणों से बात करते, क्या भैया जो भी बात बोल रहे हैं क्या ये मतलब वाकई में सही है? सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये बघैला थाना उसको थाना हो गया, उसको थाना हो गया है। अरे सर, आज ही पांच गाड़ी पकड़ा गया है। रिंकू बोला, बालू वाला गाड़ी फेल के कारण है कि पुलिस? हाँ, आज ही सर 5 गाड़ी सुबह पकड़ा था ये पुलिस साहब लोग पकड़े थे और 5ों गाड़ियों को पैसा लेकर या चाहे जैसे भी हो छोड़ दिए, यहाँ से वो चली गई 5ों गाड़ियाँ। और अभी जो ये सर पीछे में जो भूसा वाला गाड़ी लगा हुआ है, वो भूसा वाला बोल रहा है कि हम हर गाड़ी वो लोग 500-500 रुपया प्रतिदिन देते हैं जब इस रास्ते से गुजरते हैं, तो हर बालू वाला से 100-100 रुपया एक टिप पे लेता है उसका वाला थाना। उसका लाइसेंस उसी समय उसी का चलते ये गाड़ी वाला तेज भागता है, पैसा ना देना पड़े, यही बात है। 4 बजे के प्रशासन के लेके तेज चल रही है प्रशासन के लेके, बस हर बालू वाले से 100 रुपया, हर बालू वाले से 100 रुपया लोग 500 वही तेज गाड़ी लेके भाग रहा है। राम बाबू है, राम बाबू। चलिए, और आप लोगों की कोई शिकायत? आप सब की ग्रामीणों जनता की कोई और शिकायत? 4:30 की घटना है। ये घटना कैसे हुआ है? ये घटना
सुबह टहलने के लिए आए थे। सुबह में कितने बजे घटना हुई है? ये 4:30 बजे की घटना। ये घटना कैसे हुई है? ये घटना जब इधर से हम शौच करने के लिए आ रहे थे, तो यहाँ कल पर हम हाथ मल रहे थे ना, तो वहाँ देखे कि एक औरत गिरी हुई है और उस पर पिछला चक्का रौंद कर दो टेलर चला गया। हम लखेदने की कोशिश किए तो वो तले बहुत तेजी से भाग निकला। ये ट्रैक्टर के द्वारा घटना घटा है? ये ट्रैक्टर के द्वारा। ट्रैक्टर पे क्या कुछ लदा हुआ था या ट्रैक्टर खाली जा रहा था? उस पर ये क्या बोलते हैं, साप्ता से ढका बालू लदे ट्रैक्टर से इस गोड़ी ही गांव में घटना हुआ है। गोड़ी पोखरा पे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोड़ी ही गाँव का। आपका नाम? आशुतोष कुमार। मृतक जो मरी हुई है इनका नाम? ललिता देवी। कहाँ की निवासी है? यही गोड़ी की। हस्बैंड नेम है सूरजदेव साहब, सूरज साहब। आप मृतक के कौन है? हाँ, मृतक के आप कौन है? गांव वाले हैं हम। पैसा मिलेगा ना? सब भेजे इनका।